वेलकम गाइस, वेलकम टू प्ले समथिंग न्यू, लर्न समथिंग न्यू। तो आज की वीडियो पे आता हूँ दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट DIY नंबर वन। तो आप विदाउट होल ग्लू गन ये DIY बना सकते हो। पहला DIY है बुक मार्क। तो ये आप बना सकते हो, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपके घर में मिल जाएंगी। एक नोटबुक नहीं होते पुराने नोटबुक, उसका एक मैंने ये गत्ता या कवर निकाल दिया है, और पेन, सीजर, ब्रश एंड स्केल, रूलर, ओके एंड कलर, कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके घर में जरूर मिलेंगे। कोई ग्लू का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ मैं पूरी वीडियो के स्टार्टिंग से एंडिंग में। ठीक है दोस्तों, तो वो देख सकते हैं। अब मैं ड्रॉ करके जो मुझे चाहिए, जिस शेप का मुझे बुक मार्क चाहिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वैसे। आप मैंने कैट बनाया, आप डॉग बना सकते हो, आप क्रोकोडाइल बना सकते हो, ओके। तो इससे क्या प्रॉफिट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये बन जाएगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी वैसे ही कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कर दो, और जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दो। तो देख सकते हैं मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कार्डबोर्ड, मतलब ये जो नोटबुक होता है, ये तो आपको इजीली आपके होगा भी, जो आपकी पुरानी क्लास होगी उसका आप ले सकते हैं। तो मेरा भी उसी क्लास का ही है, पुरानी क्लास का। तो अब मैं कट कर लेता हूँ, ड्रॉ तो कर लिया था। तो देख सकते हैं अभी इसका थोड़ा सा कटिंग वर्क रहता है, लेकिन तो आप देख सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, बहुत ईजी है। तो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अभी इसका जो ये जो है ना, इस जो इसके ऊपर इसका जो स्टिकर है वो रिमूव कर दूंगा। तो मैंने रिमूव कर दिया, थोड़ा सा रह गया, मैंने जानबूझ के निकला भी नहीं है, और मैंने सोचा चलो इससे कुछ आइडिया ही कर लेते हैं। अब मैं ब्रश की मदद से इसमें ऑरेंज कलर कर लूँगा, जो कलर मैं आपको दिखाए थे। आप पोस्टर कलर कर सकते हो, फैब्रिक कर सकते हो, कोई भी कलर, लेकिन मेरे पास वाटर कलर है, तो आई विल डू दिस कलर, ओके। तो मैं ऑरेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पे स्ट्रिप्स लगा दिए ऑरेंज। अब मैं सोच रहा हूँ जो मतलब कि मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं ब्लू कर दूंगा, कॉम्बिनेशन कितना अच्छा हुआ है। अब इसकी आइज बनाएंगे, तो आइज मैं ब्रश को जो इसकी बैक साइड है उससे बनाऊंगा। मेरे पास गूगली आइज नहीं है, लेकिन वो मैं बना सकता हूँ, मैंने बनानी आपको सिखाई थी, तो उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मटेरियल चाहिए, वो नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं कैसे बना रहा हूँ। तो अब मैं इसके जो ईयर हैं उसमें भी ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत ईजी है गाइस, और AGL चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, आ गुड लाइफ चैनल को, ओके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और लाइक करो और शेयर करो। तो देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, आपको भी वैसे ही कर लेना है। अब मैं इसकी इस्तेमाल बना रहा हूँ, आप इसको खतरनाक बना सकते हो, इसके टीथ बना सकते हो, और देख सकते हो दोस्तों मैं कैसे बना रहा हूँ, ये बहुत इजी है इसको बनाना। तो बन चुका है हमारा। तो मैंने इसके हैंड बनाए थे, देखो कितने अच्छी तरह हो गया। अब हमारा जो पेज खो जाएगा तो हम उसको वापस ओपन कर सकते हैं। तो लाइक करें DIY नंबर टू, DIY नंबर बी विदाउट ग्लू है। तो हम बनाएंगे ये रिसाइकल बैग। रिसाइकल मतलब कि आप इसमें जो प्लास्टिक के बैग होते हैं उनसे तो एनवायरनमेंट को भी हानि होती है। तो आप सबसे पहले ये टेप ले लीजिए, और ये एक OHB शीट ले लीजिए। तो इसको ऐसे फोल्ड करके इस पर जो टेप मैंने आपको दिखाई थी वो आप लगा सकते हैं। आप स्टेपलर पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैंने टेप का इस्तेमाल किया, क्योंकि टेप सभी के घर में इस टाइम तो पक्का होगी, ओके। और गाइस आप घर पे ही रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई कीजिए, मेरे चैनल के DIY ट्राई कीजिए, और इंटरटेनमेंट के लिए आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो, कपिल शर्मा शो देख सकते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मैंने इसको कवर कर दिया इसकी, अब ये दोनों साइड से कवर हो गया, तो एक साइड तो पहले ही था। अब जो इसके नीचे का, इसको हम अच्छी तरह करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे ऐसे, ताकि एक फिनिशिंग आ जाए, ओके। तो आप देख सकते हो गाइस, अब मैंने इसके लिया, अब मैं इसको मतलब ऐसे फोल्ड करूँगा, यू कैन सी जैसे मैं कर रहा हूँ, दोनों साइड को मैं इस तरह ही इस वे में ही
फोल्ड करूँगा तो आप देख सकते हो ऐसे फोल्ड करना है। ओके एंड ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही फोल्ड करना है। दूसरी साइड का भी आपको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। मैं कर रहा हूँ तो बहुत ही ईजी है DIY, कोई ग्लू नहीं चाहिए। जो चीज़ चाहिए वो आपके घर में 100% होंगी। यदि आपके घर में OHP शीट नहीं है, यू कैन मेक इट बाय न्यूज़पेपर। आप अखबार जो आप पढ़ते हो जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, उसका इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। तो आप इसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, अपने ग्लू, फेविकोल, फेविकोल तो है ही नहीं, बाद में जब आएगा जब रख लेंगे, और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पेपर, हमारी मेडिसिन भी हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो देख सकते हैं अब मैं इसके जो बॉर्डर्स हैं उसको फोल्ड कर दूंगा, दोनों को सेम करूंगा ऐसे, जितना सेंटीमीटर वो होगा वो ही इतना। तो ध्यान से करना ये DIY। तो मैंने कर लिया है फोल्ड। अब मैं टेप का इस्तेमाल करके इन दोनों को पेस्ट कर दूंगा। तो अब मैं इसके ऊपर फ्लावर पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये फ्लावर मैं अपनी मर्जी से मैंने किया, तो आप कुछ भी पेस्ट कर सकते हो। और अब हम इसकी जो ऊपर जिसे हम इसको हैंग कर सकते हैं, जिसे हम इसको उठा सकते हैं, तो मैंने दो लेस लिए और इसमें दो होल कर दिए। तो ऐसे गांठ मार देनी है, नोट लगा देनी है ताकि ये रिमूव ना हो। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो देख सकते हैं हो गया। और ऐसे मैं इसका जो सेकंड है उसको भी ऐसे सेकंड होल में इसको डाल दूँगा, ठीक है, सीजर की मदद से। यदि नहीं जाता तो आप सीजर की मदद से डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो फिर हमें एक और नॉट लगानी है। तो चार होल हुए हैं, एक तो फ्रंट साइड एंड एक बैक साइड, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मैंने सीजर की मदद से किए, आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हो, ठीक है। तो अब नोट लगा दूंगा मैं। तो देख सकते हैं नोट लगाने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, बट मैंने लगा दी थी, तो आप देख सकते हो गाइस। तो लाइक कर देना वीडियो को, मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को। और आप मुझे बताना आपको जो जीके क्विज़ थी वो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो और लॉकडाउन में बोर मत होना, कुछ अच्छी चीज़ कुक करो और उसको खा लो। तो मैं तो समोसे बना के खा रहा हूँ। तो अब इसको जो इसका बैक साइड है उसको भी डाल देते हैं। तो कितना अच्छा हमारा बैग बन चुका है। इसमें तो मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें रखूँगा, अपने वाटर कलर रखूँगा जो आपको दिखाए थे, और अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं इसके अंदर रखने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में बताना। DIY नंबर 3 ये बहुत ईजी है। इस आप जानते हो कि हमारे जो फोल्डर होता है उस पर हमारा नेम नहीं लिखा होता। तो देख सकते हैं यदि ये लॉस हो गया तो कैसे हमें मिलेगा, ये हमें चिंता हमेशा रहती है, तो ये टेंशन हो जाती है। तो एक टेप लेनी है, जैसी वैसी टेप मैंने आपको टेप लेनी है जो आपके घर में होगी, सेलो टेप। तो देख सकते हैं अब मैं एक मतलब एक पीस ले रहा हूँ वाइट कलर का पेपर का, ओके। तो मैं इस पर अपना मतलब आप नेम लिख सकते हो, मैंने वैसे ये लिख दिया कि माय फोल्डर, तो आप लिख सकते हो जैसे आपकी हैंड राइटिंग है, ब्लू पेन से, ब्लैक से, स्केच से। स्केच मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैंने पेन का इस्तेमाल किया ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देख सकते हैं MY माय FOLDER फोल्डर। तो देख सकते हो गाइज और दोस्तों, तो आप रामायण और महाभारत जो देखें, बहुत मतलब कि एक्सपीरियंस मतलब एक अच्छी नॉलेज हमें उस इन दोनों शो से मिलती है। आप देखना इसको, DD न्यूज़ पे ये आती है। और प्लीज़ स्टे होम स्टे सेफ। तो देख सकते हैं अभी टेप को रिमूव कर लिया। अब मैं इसको जो ये ना मैंने माय फोल्डर वाली स्लिप बनाई थी इसको टेप पे पेस्ट कर दूंगा, ओके। तो देख सकते हो गाइज। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो कौन सी लाऊँ। नेक्स्ट वीक को मैं लाने वाला हूँ 5 स्कूल लाइफ सेविंग हैक। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना है, ठीक है। मैं आपको उसका थंबनेल जरूर दिखा दूँगा, कि आप बोलोगे थंबनेल तो दिखा दो, ठीक है। थंबनेल मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो अच्छी तरह हमें इसको कट कर देना है ताकि जो हमारा फोल्डर है उस पर हम इस स्लिप को अच्छी तरह पेस्ट कर सकें, ताकि कोई भी हमारा फोल्डर को हाथ ना लगा सके। तो मैंने लगा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको बना दिया, तो कितना अच्छा लगा। तो ये है वो
फोर स्कूल लाइफ सेविंग हैक। बाय बाय दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।